पत्नी की हर बात मान लेना गलत है, क्योंकि पत्नी सिर्फ अपना भला सोचेगी, जबकि आपको आपके परिवार का भला सोचना है। आपके पिता का भला सोचना है, आपकी माँ का भला सोचना है, आपका छोटा भाई है तो उसका भला भी आपको ही सोचना है, जबकि पत्नी सिर्फ अपने भले की बात करती है। सुनो जी, इतना कमाते हो, क्या जरूरत है मम्मी को सब देने की, हमको भी दिया करो, थोड़ा यहां लाया करो, सब मम्मी को देते हो, सब पापा को दे दो, हमको दिया अलग रखो। ये पत्नी अलग अलग रखने की, अलग अलग करने की, ऐसी ऐसा बीज बो देती है कि वो बीज वो अंकुरित होने लगता है, फिर वो बाधा बनता है, फिर वो झगड़े की झगड़े का रूप लेता है। थोड़ा ध्यान देना, ये माताएं मन में बहुत गालियां दे रही होंगी हमें, लेकिन 100 में से 90% ये बात सच है। स्त्री स्वार्थ में आ जाती है, यदि स्त्री चाहे तो अपने घर को ऐसे प्यार के बंधन में बांध कर रखे कि घर परिवार को कभी बिखरने ही ना दे, टूटे ही ना दे। ये चाहे तो जिंदगी भर बांध कर रख सकती है, और ये चाहे तो चुटकी में तोड़ सकती है। ऐसे आपका परिवार पापड़ की तरह है, जिसे आप देखना पसंद करते हैं पर तोड़ना पसंद नहीं करते। लेकिन ये हमारी माताएं हैं, ये चाहें तो परिवार को जीवन भर के लिए अमर बना सकती हैं, जीवित रख सकती हैं, टूटने नहीं दे सकती। देवरानी को जिठाने से नहीं टूटने देती, सास को बहू से नहीं टूटने देती। एक परिवार को ऐसे मुट्ठी, ऐसे उंगलियां अलग अलग हैं, ऐसे बांध कर रखती हैं। कुछ स्त्रियां ऐसे बांध कर रखती हैं परिवार को, और कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो घर जाते ही साल भर के अंदर तोड़ देती हैं। होती है ना स्त्रियां, शादी के साल भर हुए कि छोरा पत्नी को लेकर अलग हो गया। अरे पहले के लोगों को देखो, जब 50-50 साल तक बंटवारा नहीं होता था, है आपको ऐसे दिन याद कि नहीं? पहले भाई भाई का बंटवारा 30 साल हो गए शादी के, दो एक ही घर में चार चार भाइयों का इकट्ठा चूल्हा जल रहा है। ऐसे परिवार भी मैंने देखे हैं, ये हमारे अग्रवाल परिवार में अभी ऐसा है। चार भाइयों का इकट्ठा, बच्चे बड़े बड़े हो गए, नाती बड़े बड़े हो गए, लेकिन अभी एक चूल्हा है। ये संस्कार है, ये भारत की परंपरा है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार भाई थे। आपने कभी सुना कि आपस में पैसे के लिए, धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लड़ते थे? नहीं। लेकिन आज का भाई क्यों लड़ता है, क्यों लड़ता है? मेरी मां बुरा बिल्कुल मत मानना, इसमें आपका भी भला छिपा हुआ है। आपकी एकता है, एकता अपने घर को टूटने मत दीजिए, एक सूत्र में बांध के रखिए। ठीक है, सास बुरी है, जेठानी बुरी है, कोई बात नहीं, चुप रहिए। महाराज जी हमारी सास अच्छी नहीं, इसलिए हमको अलग होना पड़ा। हाँ, हमें पता है कि सारी सासें अच्छी नहीं होती, ठीक है, आपकी बात माना, लेकिन उसका यह समाधान नहीं है कि हम अलग हो जाएं, एक ही रहे। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि अलग मत होइए, ठीक है, चूल्हा अलग कर लो, रोटी अलग कर लो, चूल्हा अलग कर लो, चारों अलग अलग घर में रहने लगो, लेकिन चारों अलग होते हुए भी चूल्हे अलग होने चाहिए, रोटी अलग होना चाहिए, पर मन अलग नहीं होना चाहिए, मन एक होना चाहिए। ठीक है, आपकी यदि मजबूरी है तो कोई बात नहीं, चूल्हा अपना अलग रख लो, रोटी अपनी अलग करो, लेकिन दिल एक होना चाहिए। हम अपने भाई से प्यार करें, अपनी जिठानी से प्यार करें, अपनी देवरानी से, टूटने ना दें, क्योंकि आप यदि टूट गए ना, याद रखना, शेर यदि अपने झुंड से बिछड़ जाता है ना, तो गीदड़ भी शेर का शिकार कर लेते हैं, मार डालते हैं उसे, और शेर झुंड में रहता है तो हाथी का भी शिकार कर लेता है।
याद रखना, शेर अकेला कभी हाथी का शिकार नहीं करता, शेर जब जब हाथी का शिकार करता है तो झुंड के साथ करता है, एकता के साथ करता है। यदि शेर में एकता है तो वो हाथी का शिकार कर लेता है, और यदि अकेला फंस जाए तो गीदड़ भी उसको मार करके खा जाते हैं। यदि आपका परिवार एक है, अखंड है, तो बड़े बड़े संकटों से आप यूं ही निपट लेंगे, और यदि बिखर जाएंगे तो थोड़े से दुख में भी, थोड़े से संकट में भी आप खत्म हो जाएंगे, आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? एक कुंडलीक नाम का लड़का था, पत्नी से बहुत प्यार करता था। अब पत्नी ने कान भर दिए, सुनो जी तुम्हारी मम्मी ने तो हमें कुछ गहने वहने दिए ही नहीं। कुंडलीक बोला, नाना मेरी माँ के पास कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, मैंने तो देखा शादी में तो सासू माँ ने इतना सारा जेवर पहन रखा था, उसके बाद तो कभी मिले ही नहीं। अब पत्नी ने पति को ऐसे भड़काया, ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उसको भी अपनी पत्नी की बात सच लगने लगी। एक दिन माता पिता ने कहा अपने पुत्र से, बेटा हम काशी जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, अब तुम बेटा बहू रहना, सुखी रहना, बहुत प्यार करना लाड़ी से, बहुत प्यार करना अपनी पत्नी से, और सुखी रहना बेटा। अब हम लोग काशी जा रहे हैं, फिर वहां से बद्रीनाथ निकल जाएंगे, अब हम कभी लौटेंगे नहीं, जा रहे हैं। बहू बोली, सुनो जी जाने लगे अभी तो कुछ दिया नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये झोले में भर के ले जाए किसी और को दे दे। एक काम करो, पापा जी से कहो, माँ जी से कहो कि हम भी चल रहे हैं आपके साथ काशी तक, वहां फिर झोला चेक कर लेंगे इनके झोले में क्या रखा, मौका मिलती। हाँ, पत्नी ने कान भर दिए, पट्टी पढ़ा दी। हाँ चलो, लो भैया। छोरा बोला, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगा काशी। पिताजी बड़े खुश हो गए, चलो सेवा करने वाला साथ में रहेगा, मस्ती से चलेंगे। लो भैया, माता पिता काशी पहुंचे, ये बहू भी साथ में लगी, ये बार बार झोला देख रही है, क्या इसके भीतर, क्या बार बार सासू माँ का झोला देख रही है ना। बहुओं की आदत होती है, सासू माँ कहा क्या रख रही है, वो अपने कमरे में छेद कर लेती हूं, वहीं से देखती रहती हूं। सासू मां क्या कर रही है, कहां क्या रख रही है, किसको क्या। और बहुएं तब ज्यादा और अलर्ट हो जाती हैं जब ननंद आती है। ननंद आई तो बहू सावधान हो गई, अब सासू मां बांध कितना सारा देगी। रीत है, बाजना की नहीं। बुरा ना मानो, ननंद आई है। चले गए काशी के एक धर्मशाला में, माता पिता रुके कुंडलीक के, एक कमरे में माता पिता रुके हैं, दूसरे कमरे में ये दोनों पति पत्नी बेटा बहू रुके हैं। अब कुंडलीक रात के 12 बजे पहरा दे रहा है, 1 बजे जाग गए रात को, और देखा कि दरवाजा की कुंडी खुली होगी तो मैं अंदर जाके झोला उठा के ले आऊंगा, चेक करके रख दूंगा। 1 बजे से मौका देखता देखता रात्रि के सवेरे के भोर के 4 बज गए, पर अभी तक कोई मौका नहीं मिला। उसी समय कुंडलीक को कुछ नजर आया, क्या नजर आया वो बहुत ध्यान से सुनना। 3 स्त्रियां आईं गंगा जी की तरफ से, 3 स्त्रियां आईं वो धर्मशाला पर जहां वो रुके थे, वहां एक पुराने महात्मा रहते थे साधु जी। वो 3 स्त्रियां आईं महात्मा के पास गईं, वो कपड़े गंदे पहनकर आई थी और वहां से साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके वो आईं। कुंडलीक ने देखा ये गंदे कपड़े पहनकर गईं और वहां से बड़े निर्मल साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर आईं। कुंडलीक से रहा ना गया, उस बच्चे ने टोक दिया, देवियो जरा रुकिए, ये आप कौन हो, कहां से आई हो, और ये रात्रि के अभी सवेरे के 4 बजे और कहां गई थी बाबा जी के पास। उन तीनों कन्याओं ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हम
ये गंगा है, ये यमुना है, ये सरस्वती है, हम तीनों गंगा यमुना सरस्वती हैं। अच्छा आप गंगा मैया हो? हाँ। तो आप ये कपड़े गंदे पहन के कहाँ गई थी? गंगा मैया जी बोली कि पापियों के पाप धुलते धुलते हम गंदी हो जाती हैं। जब पापी लोग हम में स्नान करते हैं ना तो हम गंदी हो जाती हैं, और अभी तीन चार दिन से हम कुछ ज्यादा ही गंदी हो रही हैं। बेटा आश्चर्य से बोला, क्यों तीन चार दिन से ऐसा क्या हुआ? गंगा मैया बोली, जब से तुम यहाँ आए हो ना तब से हम कुछ ज्यादा ही गंदी हो रही हैं। हमारे आने से? हाँ। गंगा मैया बोली, देख तेरा बूढ़ा बाप पड़ा है, जब वो मेरे जल में स्नान करता है मैं पवित्र हो जाती हूँ, क्योंकि तेरा बाप धर्मात्मा है, तेरी माँ बहुत धर्मात्मा है, निर्मल मन है, निर्मल स्वभाव है, लेकिन तू कपटी बेटा, तेरे हृदय में अपने बाप के प्रति कपट है, अपनी माँ के प्रति कपट है, और तुम जैसे कपटी बेटा जब जब गंगा में नहाते हैं तो मैं और भी ज्यादा गंदी हो जाती हूँ, और फिर ऐसे महापुरुषों का दर्शन करती हूँ तब मैं पवित्र होती हूँ। तुम जैसे बच्चे जब गंगा स्नान करने आते हैं तो गंगा अपवित्र हो जाती है, तो माँ बाप से कपट करने वाले गंगा नहा रहे हैं तो ये गंगा को गंदा कर रहे हैं। ये घटना कलयुग की है, इसे कहानी मत समझ लीजिएगा। वो पुंडलीक गंगा की बात से इतना प्रभावित हुआ कि अपने माता पिता को अपने पास में झगड़े पर पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी के मोह से वो बाहर निकला और अपने माँ बाप को उठा करके उसने गाड़ी पर बिठाया और ले गया कि अब मैं माँ बाप की सेवा करूंगा। वही कुंडलीक अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करता है, ऐसी सेवा करता है, ऐसी सेवा करता है कि एक दिन भगवान आकर के खड़े हो जाते हैं। बेटा देख मैं आ गया हूं, मेरा दर्शन कर। बच्चा बोला, आप कौन हैं? मैं कृष्ण हूं। तो सुनो, अभी मैं मां की सेवा में लगा हूं, आप कल आना। भगवान बोले, कल मैं नहीं आऊंगा, आज दर्शन कर। तो वहां पर वो माँ बाप की सेवा कर रहा था, इस गोद में पिता का सर, इस गोद में माँ का सर, दबा रहा था माँ का सर। एक ईंट पड़ी थी, एक ईंट फेंक दिया बाहर तरफ और कहा कि इसमें खड़े हो जाओ, जब तक हम माँ की सेवा नहीं कर लेते हम बाहर नहीं आ सकते। वो ईंट पर खड़े हो गए भगवान, और वो आज तक ईंट पर खड़े हैं। जानते हो ये कहां की चर्चा है? जानते हो? नाम सुना है कभी विट्ठल भगवान का? महाराष्ट्र में जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, बाकी बिहारी, ऐसे महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान हैं, विठोबा, विट्ठल भगवान। वो माता पिता की सेवा कर रहा था, भगवान खड़े थे उसी समय, माता पिता, संयोग देखिए, भगवान ने उनके माता पिता को अपने अंदर लीन कर लिया, और जब ये माता पिता मर गए तो उस बेटे को माता पिता का दुख बर्दाश्त ना हुआ, माँ बाप का बिछोह बर्दाश्त ना हुआ, और वो भी माँ बाप का चिंतन करते करते प्राण ने त्यागता है। तीन विमान आते हैं और विमान में बैठ कर ये तीनों अपने भगवान के परम धाम को चले जाते हैं केवल माँ बाप की सेवा करके। और भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं, बोले जब तक तू मुझसे मिलने नहीं आएगा तब तक मैं तेरा इंतजार करता रहूंगा। आज भी वहां पर ईंट के ऊपर भगवान खड़े हैं, और विट्ठल भगवान के नाम से पूरी दुनिया उन्हें आज भी जानती है, आज भी उनका मंदिर वहीं पर उसी जगह पर है और वहां वो ईंट पर खड़े हैं। कलयुग के अंत में वही बालक फिर आएगा और भगवान उससे मिलकर फिर इस विग्रह को फिर भगवान अपने परम धाम को ले जाएंगे। कलयुग के भक्तों के लिए भगवान यहां पर खड़े हैं। तो कृपया अपने मां बाप को ही भगवान के नजरिए से देखिए। पति कौन होता है मेरी मां? परमेश्वर होता है। पति कौन होता है? कितने पति होते हैं आपके? कितने हैं? कितने हैं आप लोगों के? एक, ओनली वन। एक पति जिनका है वो हाथ उठा सकते हैं।
उठाओ। एक पति है आपका, अच्छा ये एक वही है ना जिसने आपके गले में मंगलसूत्र पहना या मांग भरी, वही है ना एक? हाँ। आंख कितनी है आपकी? दो। कान कितने हैं? हाथ कितने हैं? पांव कितने हैं? भीतर किडनियां कितनी हैं? कभी सोचा है कि भगवान ने हर चीज दो दो क्यों दी है? एक खराब हो जाए दूसरा जिंदाबाद, एक खराब हो जाए दूसरी जिंदाबाद, एक फ्यूज हो जाए दूसरा जिंदाबाद, एक किडनी फेल हो जाए दूसरी जिंदाबाद, एक्स्ट्रा दे रखी है। ऐसे भगवान ने आपको पति भी दो दिए हैं। आज तक आपको यही पता है कि हमारा एक पति है, जबकि आपका एक नहीं, आप सबके दो पति हैं। कौन कौन से? एक तो वही है जिसके द्वारा आपने मंगलसूत्र धारण किया, मांग मांग भरी, जिसके नाम की मेहंदी रचाती हो, वो आपका वाला। एक दूसरा भी है जिसको आप कहती हो, तुम हो एक अगोचर, गाइए जरा, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति स्वामी, सबके प्राण पति, किस विधि मिला हूँ दया मैं, किस विधि मिला हूँ दया मैं, तुमको मैं कुमती, ओम जय जगदीश हरे। फिर से दोहरा लीजिए, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति, सबके प्राण पति। तो ये किसका पति है? ये सबका पति है, लेकिन किसका पति है? ये प्राणों का पति है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। ये जो पति है ये प्राण पति नहीं है, ये शरीर का पति है, ये शरीर से प्यार करता है, लेकिन मेरा परमात्मा वो आपके प्राणों से, आपकी आत्मा से प्यार करता है। तो आत्मा का पति परमात्मा है, अपनी आत्मा को उस परमात्मा तक पहुंचाना है तो उसका ध्यान करना होगा, उसका स्मरण करना होगा। याद रखना, हम सबके भीतर, अच्छा ये तो स्त्रियां हैं तो इनके दो पति हम कह रहे हैं कि एक वो एक ये। आप लोगों का क्या है? आपका भी तो पति है। याद रखना, पुरुष भी अंदर से स्त्री ही होता है। पुरुष भी, आप लोग पुरुष हो कि स्त्री हो ये बताओ, पुरुष हो कि स्त्री? पुरुष, पुरुष हमारा, हम तो पुरुष हैं। शरीर से पुरुष हो कि आत्मा से? आत्मा ना, आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा पुरुष नहीं होती, क्योंकि आत्मा स्त्रीलिंग है। आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। बहुत आत्मा होती है, बहुत आत्मा होती है। आत्मा होती है मतलब आत्मा स्त्री है, और यदि स्त्री है तो उसे पुरुष तो चाहिए। और कौन सा पुरुष चाहिए? बोले ये आत्मा है तो इस आत्मा रूपी स्त्री को परमात्मा रूपी पुरुष चाहिए। तो यही है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कर देना ही रास है। आज मैं जो रास की चर्चा सुनाने जा रहा हूं वो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, वो शरीर का मिलन नहीं है। उसे शरीर का मिलन समझने की त्रुटि मत कर लेना। वो शरीर का मिलन नहीं है कि गोपियों का शरीर कृष्ण के शरीर से मिल रहा है, क्योंकि रास पर बहुत सारे संदेह खड़े होते हैं, भगवान ने रास क्यों रचाया? अरे भाई, भगवान ने जब रास रचाया था ना तो उसमें लिखा है श्रीमद् भागवत में, उस समय भगवान की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। तो क्या 7 वर्ष के बच्चे के अंदर कोई वासना होती है, कोई भेद बुद्धि होती है? नहीं, पवित्र बुद्धि होती है। तो भगवान 7 वर्ष के थे और वो परमात्मा है, परब्रह्म है, बिनु पग चले ही सुनहि बिनु काना कर बिनु कर्म करहि बिधि नाना, वो परमात्मा सर्वत्र है,
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्री ज्ञान वैराग्योर्चैव षड्नाम भक्तिर्नाम। वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं, वो हमारे जैसा नहीं है। गोपियां आई हैं, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया है। अब मैं आपको बताऊं ये गोपी क्या है। गौ मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना। जिन्होंने अपनी वासनाओं को पी लिया है, जिन्होंने अपनी वासनाओं को खत्म कर दिया है, उनका नाम है गोपी। छोटे से बच्चे को आपने देखा, वो कपड़ा पहने या ना पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा बच्चा, छोटा सा बालक, कपड़ा पहने, वस्त्र पहने, ना पहने, अब बताइए क्या छोटे से बच्चे के अंदर, उसके सामने कोई कैसा भी नाचता रहे, उसके मन पर सामने वाले का कोई भी प्रभाव पड़ेगा? सामने वाला कैसा भी नाचे, छोटे से बच्चे पर सामने वाले का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ऐसे ही जैसे छोटे से बच्चे की बुद्धि पवित्र है, ऐसे गोपियां पवित्र हो चुकी थी। अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से, अपनी इंद्रियों से पवित्र थी गोपियां। अंगूर को आपने जरूर खाया होगा, एक बार दो बार अंगूर आपने खाया होगा। अंगूर में पानी होता है, लेकिन वही अंगूर जब सूख जाता है तो किशमिस बन जाता है। वो अंगूर 100 रुपए किलो बिकता है, लेकिन वही अंगूर जब सूख जाता है तो 500, 600, 700 और 800 रुपए किलो तक बिकता है। वही अंगूर है, अंगूर पहले गीला था तो अंगूर था, सूख गया तो किशमिश बन गया। अब बताइए कि अंगूर टिकाऊ होता है कि किशमिश टिकाऊ होती है? अंगूर तो सड़ जाता, किशमिश टिकाऊ होती है। क्यों टिकाऊ है? क्यों कीमत ज्यादा है उसकी, क्यों वैल्यू ज्यादा है उसकी? क्योंकि उसके भीतर का पानी सूख चुका है। ऐसे ही गोपियां जो थी, उन्होंने अपनी वासना का जल, इच्छाओं का जल, इंद्रियों का जल सुखा दिया था और अपने आप को किशमिश बना दिया था। कोई वासना नहीं रह गई थी, कोई कामना नहीं रह गई थी, कोई इच्छा नहीं रह गई थी। ऐसी गोपियां थी, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं गोपियों के अंदर। ऐसी गोपी निर्विकार, निर्लिप्त, ऐसी गोपियां आज रास रचाने को आई हैं। लोग कहते हैं भगवान ने रास क्यों रचाया? उस श्रेणी में आप पहुंच जाएंगे ना तो ये प्रश्न नहीं करेंगे, है ना? उस श्रेणी में पहुंच जाएंगे ये प्रश्न ही नहीं होगा। अब ये समझना होगा कि गोपी कहते किसे हैं। स्त्री का नाम गोपी है कि पुरुष का नाम गोपी है? तो याद रखना मेरी माँ, गोपी मतलब स्त्री नहीं होता। गोपी एक भाव है। भगवान शंकर भी उस रास में जब आए थे तो क्या बनकर के आए थे? गोपी बनकर आए थे। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए। भगवान शंकर भी जब उस रास में आए, अभी मैं सुनाऊंगा, जब भगवान शिव उस रास में आए तो क्या बनकर आए थे? गोपी बन। आज भी वृंदावन में शंकर जी का श्रृंगार गोपी के रूप में होता है। गोपेश्वर महादेव आज भी विद्यमान है, भगवान शिव श्रीधाम वृंदावन। तो गोपी बनकर शंकर जी आए, तो शंकर जी तो पुरुष थे, फिर गोपी कैसे बन गए? बोले गोपी स्त्री या पुरुष नहीं है, गोपी तो एक भाव है। जैसे यहां बैठे हर व्यक्ति को श्रोता कहा जाता है, ये कौन बैठे हैं? बोले श्रोता बैठे हैं। अब श्रोता में सबका संबोधन हो गया, स्त्री का, पुरुष का, बेटा का, बेटी का। ये थोड़ी कि श्रोता भी थे और श्रोतियां भी थी। श्रोतियां मतलब स्त्रियों को अलग से थोड़ी संबोधित किया जाएगा, श्रोता में सब आ गए। जैसे श्रोता कहने से सबको संबोधित हमने कर दिया, ऐसे ही गोपियां कह दिया तो गोपियों में स्त्री पुरुष बच्चा बच्ची मतलब जो भगवान के परम भक्त थे सब उस गोपी में शामिल होकर के भगवान के संग रास रचा रहे हैं। केवल स्त्री नहीं, वहां पुरुष भी थे स्त्री के रूप में, उस भाव में थे। क्योंकि प्रेम का नाम गोपी है, भाव का नाम गोपी है, स्त्री का नाम गोपी नहीं। रास रचाते हैं भगवान गोपियों के संग।
बहुत प्रेम से रास रचाया भगवान ने। गोपियों को स्वीकार कर लिया भगवान ने। गोपियां कहते हैं आप हमारे पति हो, संसार का पति तस्वीर की तरह है, साक्षात पति तो आप हो, हम आपको छोड़कर कहां जाएं। गोपियों के संग भगवान ने रास रचाया। गोपियों को अभिमान आ गया, मैं बड़ी सुंदर हूं, बड़ी सुंदर हूं, देखो भगवान मेरे संग नाच रहे हैं। कभी कभी हमें अपनी उपलब्धियों का अभिमान आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हम ये मान बैठते हैं कि इस उपलब्धि के जिम्मेदार हम हैं। ध्यान, बहुत ध्यान से सुनना मेरी मां, कभी कभी हमें अहंकार आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हम उस उपलब्धि को ऐसा मान लेते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त हुई है, हमारे टैलेंट से, हमारी मेहनत से, हमारी काबिलियत से, हमारी योग्यता से हमें ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, इसलिए अहंकार को आने की जगह मिल जाती है। यदि हम अपने आप को कर्ता ना माने, ईश्वर को कर्ता बना दें, तो बताइए क्या अहंकार आएगा? कहिए दादाजी, आप में से किस किस के पास अहंकार है, हाथ उठा के हमें बता सकते हैं? कौन कौन अभिमानी है, अहंकारी है? एक भी नहीं उठा रहे हैं हाथ, सब बढ़िया है। कोई हम, मैं महाराज हम तो अहंकार करती नहीं। यहां करोगे भी कैसे? करोगे तो यहां से बाहर करोगे। यहां किससे करोगे अहंकार? यहां थोड़ी चलने वाला है ना, कहो। हाँ, अहंकार है, बहुत अहंकारी लोग तो ऐसे चलते हैं। ये बाहर निकली जाती है छाती अहंकार से। अरे थोड़ा झुक के चलो। बबूल के वृक्ष को कभी आपने झुकते देखा? बबूल क्यों नहीं झुकता? क्योंकि कांटों से भरा होता है। और अभी आम का सीजन चल रहा है, आम का हर पेड़ आप देख लेना, झुका हुआ दिखाई पड़ेगा। इतना झुकता है बेचारा, कभी कभी तो टूट जाता, डालियां टूट जाती है। जो फलदार होता है, जो गुणवान होता है, वही झुकता है सरकार, वही झुकता है। जो दुष्टता से भरा है बबूल की तरह, वो कैसे झुकेगा, कैसे झुकेगा? वो तो अहंकार में, मैं बड़ा हूं, मुझे नहीं जानता, वो कैसे झुकेगा? सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना आप सभी से है कि सबसे पहले ईश्वर को पाना चाहते हैं, मेरे श्याम सुंदर को पाना चाहते हैं, तो अपने अंदर के अहंकार को निकाल करके तिलांजलि दे दीजिए। जिस दिन अहंकार चला गया, रावण जैसों का अहंकार नहीं चला, तो हमारा और आपका अहंकार क्या चलेगा भक्तों? किस चीज का अहंकार है ये भी बता दो लगे हाथ। किस चीज का? मेरे पास बहुत पैसा, करोड़पति हूं मैं, 25-25 गाड़ियां हैं, 20-20 प्लॉट है, पूरे बाजना में जितनी जमीन है सब मेरी है, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं यहां का राजा हूं। तुम राजा हो? 10-25-50-100 एकड़ जमीन हो गई तुम्हारी तो तुम अभिमान करने लगे? उस परमात्मा के एक एक रोम में, अपना अपना रोम देखिए, एक एक रोम में ऐसी पृथ्वियां लटक रही हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये संसार उसी का है। अभिमान किस बात का? कितना भी अभिमान कर लो, कितनी भी प्रॉपर्टी जोड़ लो, एक दिन मरोगे तो मुट्ठी भर राख बन जाओगे। ले जाएंगे हमें शमशान में, दफना देंगे या तो जला देंगे। जला देंगे, राख ऊपर होगी, कोई आएगा मुट्ठी में भरेगा, भूख मारेगा, हम उड़ जाएंगे। ये हमारी हैसियत है, ये हमारी असलियत है। एक छोटा सा दृष्टांत दे करके आपसे कुछ मैं पूछना चाहूंगा, कृपया बहुत ध्यान से सुनिए, और जवाब आपको देना है, आप जवाब दीजिए। एक किसान था, यही बाजना का रहा होगा। एक किसान था, उसके पास एक बैलगाड़ी थी, छकड़ा। छकड़े पर किसान बैठा, छकड़े पर दो बैल जुते हुए थे, बैल छकड़े को चला रहे थे। किसान का पालतू कुत्ता छकड़े के नीचे नीचे चल रहा था छाया में। इस दृश्य को कभी आपने देखा कि नहीं, मुझे नहीं पता। गाड़ी का मालिक ऊपर बैठता है और उसका पालतू कुत्ता नीचे नीचे चलता है। एक बार गाड़ी
जा रही थी, कुत्ता नीचे नीचे चल रहा था, एक गधा बाजू से निकला। गधे ने कुत्ते से पूछा, कहो भाई कैसे हो? कुत्ता बोला, बहुत मजे में हूं, आजकल तो थोड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि मालिक ने ये गाड़ी मेरे कंधे में रख दी ना, आजकल ये गाड़ी मैं चला रहा हूं तो टेंशन बड़ी ज्यादा है, चार चार राउंड लगाता हूं मैं, खेत से घर, घर से खेत। गधा समझ गया, यार हम इतने भी गधे नहीं हैं, ये गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, ये गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला, कर देना गधों वाली बात, अरे ये गाड़ी बैल नहीं हम चला रहे हैं। कुत्ता कह रहा है, गाड़ी मैं चला रहा हूं, बस आपसे इतना ही जानना चाहता हूं कि गाड़ी कौन चला रहा है, गधा चला रहा है, कुत्ता चला रहा है कि बैल चला रहे हैं? आप जवाब दीजिए। गाड़ी बैल चला रहे हैं, बहुत सरल उत्तर है, बहुत सरल जवाब है। गाड़ी बैल चला रहे थे लेकिन कुत्ता क्या कह रहा था? गाड़ी मैं चला रहा हूं, गाड़ी मैं चला रहा हूं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, वो कुत्ता जो है ना वो और कोई नहीं है, जैसे गाड़ी बैल चला रहे थे लेकिन कुत्ता अभिमान बस कह रहा था हम चला रहे हैं, ऐसे ही सबकी गाड़ी, जिंदगी की गाड़ी परमात्मा चलाता है, हम अभिमान बस कहते हैं उस कुत्ते की तरह के, हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे एक सज्जन तो कह रहे थे कि हमने अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का विवाह किया, चार चार बेटियों का और चार चार बहनों का विवाह किया। अरे आप नहीं करते तो क्या आपकी बेटियां और आपकी बहनें अभी तक कुंवारी बैठी रहती? कहिए, आप कुछ ना करते अपने घर में तो क्या आपके घर भूख, आपके घर के लोग भूखे मर जाते अभी तक? कहिए ना, जवाब दीजिए ना। आप कहते हैं हम घर को पाल रहे हैं, हम घर का पेट भर रहे हैं, आप जिस दिन मरेंगे ना उस दिन के बाद से आपके घर के लोग भूखे नहीं मरेंगे, कहीं ना कहीं से भगवान उन्हें देगा। इसका अर्थ है कि यदि हम पालन करते हैं, यदि हम खिलाते हैं तो दो लोगों को रोटी खिला सकते हैं, चार लोगों को रोटी खिला सकते हैं, लेकिन पूरी सृष्टि को, चींटी से लेके हाथी तक को खिलाने वाला तो ईश्वर है ना, परमात्मा है ना। इसलिए अपने आप को कर्ता मत समझिएगा, मैं कर रहा हूं ना, राम नाम एक अंक है बाकी साधन सून, राम रहे दस गुण है राम बिना सब सून। एक बार जीरो को अभिमान आ गया, मैं सबसे बड़ा क्योंकि मैं संख्या को दस गुना बढ़ाता हूं, तो संख्या बोली तू बैठ मैं चली, संख्या निकल गई, चेक में जीरो 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 भर दो, बोले भंजा लेना है किसी काम का, चेक में संख्या ना हो जीरो जीरो हो, है चेक किसी काम का? बिना संख्या के आपका चेक, संख्या है तो जीरो दस गुना बढ़ता है और संख्या नहीं है तो जीरो बटा जीरो है, कितना भी कितने हजार जीरो से जीरो में गुणा करो कितना आएगा, एक लाख जीरो से एक जीरो में गुणा करो कितना आएगा, जैसे जीरो दस गुना बढ़ता है संख्या सामने हो तो, नहीं तो नहीं, ऐसे ही भगवान संख्या है और हम जीरो है। यदि भगवान कृष्ण को हम साथ लेकर चलेंगे तो हमारा कारोबार, हमारा घर, हमारा परिवार दस गुना बढ़ेगा, और भगवान को छोड़ दोगे तो हम तो जीरो ही थे, जीरो ही हैं और जीरो ही रहेंगे। राम नाम एक अंक है। गोपियों को अभिमान आ गया, मैं बड़ी सुंदर, जहां अभिमान वहां भगवान नहीं, अंतर्धान हो गए राधा रानी को लेके, राधा रानी तड़पने लगी, कृष्ण उनको भी छोड़कर चले गए, सारी गोपियां विरह में डूब गईं, व्याकुल हो गईं, हे कृष्ण 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 कह के गोलियां धड़ाम, गोपियां धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारने लगी, हा कृष्ण हा कृष्ण, कहां हो गोविंद, कहां हो गोपाल, कहां हो गोविंद, पुकार रही है श्री गोपियां और भगवान नहीं मिले तो लीला कर रही हैं गोपियां। और गोपियों ने विरह में एक गीत गाया जिस गीत का नाम गोपी गीत, आइए सुनते हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज
श्रयते इंदिरा शाश्विदात्रि भयति द्रशिता देक्षुता विकास त्वयि धृता सेवास त्वां विजेन्वति शरदोदासये साधु जाति सत् सरसी जोदरा श्रीमुषाद्रस सुरते नाथिते शुल्क दासिका वरद निग्नतो नेह के बधा बेश जलापयात प्याल राक्षसा बरस मारुता जयति तेधिका जान्मिना व्रजा श्रयते इंदिरा शाश्विदात्रि गोपियां कह रही हैं श्याम सुंदर जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ है तब से आपकी महिमा और बढ़ गई है श्याम सुंदर हमें छोड़कर मत जाइए एक बार दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर दो। गोपियां रो रही हैं जानते हो भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ता है क्या करना पड़ता है। बच्चा अपनी कोई भी जिद पूरी कराना चाहता है तो क्या करता है रोता है उससे कुछ नहीं आता रोता वो आपसे मांगेगा हमें ये दिला दो नहीं दिलाओगे तो रोएगा क्या करता है मैया जी बच्चा भैया जी क्या करता है बच्चा रोता है। जरा अपने दिल में हाथ रखकर हमें ये बताओ कि आज तक आप में से कितने लोग हैं जो भगवान को पाने के लिए रोते हैं ईश्वर को पाने के लिए रोते यदि रोते हैं तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और नहीं रोते तो कृपया रोइए क्योंकि भगवान पूजा पाठ से मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं जब हंस करके कहता हूं ना पापा ये दिला दो पिताजी ये दिला दो नहीं दिलाते और जब रो करके कहता हूं तो जल्दी दिलाते हैं रो करके बुलाओगे बहुत जल्दी सुन लेगा इसलिए भगवान के लिए पुकारना हो बुलाना हो तो रो करके लेकिन इस रोने में भी सच्चाई हो। अच्छा आप लोग रोती हो कि नहीं मैया जी बेटा नहीं है तो रो रहे हैं काम धंधा अच्छा नहीं चला महाराज बहुत रो रहे बात बात में हमारी माताएं रोती हैं ये तो और जल्दी पालेंगी इस तरीके से भगवान को लेकिन ये रोती गलत जगह है ये रोती कहाँ है परिवार के लिए संसार के लिए वस्तु के लिए। जिस दिन ये आंसू ईश्वर के लिए देखो हम साइकिल चला रहे हैं साइकिल चला रहे हैं सीधी यदि जाने देंगे तो राजस्थान चली जाएगी साइकिल थोड़ा सा टर्न कर देंगे तो मध्य प्रदेश में ही रहेगी सही है। पैडल बराबर चलाओ थोड़ा सा टर्न ही तो करना है थोड़ा सा टर्न किया तो बाजना आ गए थोड़ा सा टर्न कर दिया होता तो हाँ पाटन आ जाता कौन सा गांव हाँ रतलाम सही टर्न ही तो किया सीधा जाने देते तो फलाना गांव थोड़ा सा टर्न कर दिया
ऐसे ही जैसे साइकिल को हल्का सा टर्न किया तो दूसरी जगह पहुंच गई, ऐसे ही आप रोइए लेकिन परिवार को, परिवार के लिए रोते हो, संसार के लिए रोते हो। जिस जगह पर वहां पर संसार को आपने बिठाया है उसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण को बिठाइए और उसके लिए रोइए। थोड़ा सा टर्न कर दीजिए फिर आपका रोना सफल है। हे कन्हैया जिंदगी बीत गई अभी तक तेरे दर्शन नहीं हुए इसलिए रोइए, और जिस दिन भगवान के लिए दो आंसू बहाएंगे ना वो आंसू मोती बन जाएंगे। आप लोग भी रोया करिए और रो करके भगवान को पुकारा करिए, सच्चे हृदय से भगवान के लिए रोइए और उन्हें रो रो करके। जैसी गोपियों ने पुकारा गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, साक्षात मनमथ मनमथ। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे गोपियों के अंदर कृष्ण को देखने की लालसा भई भगवान प्रकट हो गए। जब तक उत्कंठा नहीं होगी कृष्ण को मिलने की तब तक संभव नहीं है दर्शन। तड़प जिसे कहते हैं, मछली कैसे तड़पती है पानी के लिए, ऐसे हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए तड़पना होगा। तड़प हमारे अंदर आती नहीं है वो दर्शन देता नहीं, और बिना तड़पे वो मिलता नहीं। गर्मी जब पड़ती है ना तो पृथ्वी तप जाती है, दरार छोड़ देती है। जब बहुत तप जाती है तब फिर सावन की झड़ी लगती है। ऐसे ही भक्ति की आग में अपने आप को जब तक तपाएंगे नहीं तब तक कृपा की बारिश हो नहीं सकती। यदि कृपा की बारिश चाहते हो तो अपने आप को पहले भक्ति की आग में तपाना होगा। तपाइए, हम भक्त बन के अपने आप को तपाए फिर देखिए कृपा की वर्षा। मीरा ने तपाया था अपने आप को और गोपियों के मध्य में जब भगवान प्रकट हो गए अद्भुत रास रचाया भगवान, रास रचा रहे। आइए दर्शन करते हैं। गोपियों ने अद्भुत रास रचाया, भगवान गोपियों के मध्य में नाचने लगी। बड़े निष्ठुर हो कन्हैया, बड़े निष्ठुर हो तुम। हो गोपियां शिकायत कर रही हैं कन्हैया बड़े निष्ठुर हो, लेकिन आ गए ना भगवान। बोले प्रेम को बढ़ाना था इसलिए गए थे, अब आ गए हैं चलो रास रचाते हैं। कैसा रास भगवान ने रचाया है एक झलक उस रास की हम यहाँ देख लेते हैं। जब भगवान ने रास रचाया उस रास में भगवान शिव जी जिद करने लगे हमें उस रास में जाना है। पार्वती मना रही है नाना वहां पे पुरुषों का काम नहीं है। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन पार्वती जी मना के हारे नामा ने त्रिपुरा वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो Thank you.
दास में उस दास में श्याम के सिवा ना कोई पुरुष न होगा उस रास में उस रास में हंसी करेगी ब्रज की नारी हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात भगवान शंकर कह रहे हैं देवी देखो वहां रास हो रहा है हमें भी ले जाना हमें भी ले चलो। पार्वती जी बोली ना वहां पुरुषों का कोई काम नहीं है। शंकर जी बोले हमें तो जाना है। जिद करने लगे